आर ग्रुप्स का एक नए ऑफिस का शुभारंभ हुआ है सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा अपना परिचय देते हुए, अपनी इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए और अपना परिचय देते हुए शुरू कीजिए सर। आर डॉट ग्रुप्स के नाम से हम लोगों ने पटना में 17 तारीख को ओपनिंग किया, ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसमें हम लोग के जो पटना के विधायक हैं जैसे बाकीपुर के नितिन नवीन जी और राइस मिल एसोसिएशन के मैंने स्टेट प्रेसिडेंट राजू गुप्ता जी हैं डिहरी के, उनके नेतृत्व में, और कुम्हार के विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, पटना मेयर सीता साहू जी, इन लोगों के का आगमन हमारे ऑफिस में आर डॉट ग्रुप में हुआ। हम लोगों ने आया बहुत अच्छे माहौल में, हम लोग का उद्घाटन हुआ, काफ़ी अच्छे लोग सब लोग पहुंचे हुए थे, सब कुछ होने के बाद तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बेसिकली आर डॉट ग्रुप्स में हम लोग का रियल इस्टेट का काम होता है। रियल इस्टेट में मीन्स जैसे पटना में, पटना लोकल और बिहार के अंदर में जो ज़मीन का खरीद बिक्री का काम जो होता है हम लोग के ऑफिस ऑफ से के माध्यम से होगा। क्योंकि अब जो है कि जो लोग भी मैंने पहले से लोग घूम घूम के करते थे, हम भी घूम के करते थे, ऐसा नहीं कि हम मैंने पहले हमारा ऑफिस था कहीं भी है इससे तो, लेकिन चूँकि जो घूम करके हमने अनुभव कमाया उसमें हम और लगा कि अब लोग जो हैं थोड़ा सा रिफाइन हो चुके हैं, अब चाहते हैं कि ऑफिस के माध्यम से ही कोई काम हम लोग ज़मीन खरीद बिक्री या कुछ भी करें तो ऑफिस के माध्यम से करें। अब लोग नहीं चाहता कि मैंने कि हम इधर उधर के लोगों से इतना ना मैंने फ्रॉडगिरी जो हुआ ना इस सब लेके के लोग अब सोचे कि नहीं अब एकदम पक्का मोहर लगा हुआ हमको काम चाहिए, और मैंने पक्का काम होगा तो सरकार को भी फायदा होगा इससे, हमारे देश के विकास में भी बहुत फायदा होगा। तो हम लोग मैंने ये सब देख करके सोचे कि एक ऑफिस का ही निर्माण किया जाए जहाँ से हम लोग जमीन फ्लैट ये सब का, मैंने फ्लैट का काम तो हमारा बाहर में भी चलता था, गुड़गांव है, नोएडा है, गोवा में है, अहमदाबाद में है, हम लोग बस काफ़ी प्रोजेक्ट है जो हम लोग करते आ रहे थे, सब सोचे ना कि नहीं काम नहीं करते हुए आते, लेकिन पटना में हम ऑफिस डाल करके पटना में बस एक कस्टमर के लिए एक सेंटर बनाया है, एक विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर में हमारा ऑफिस है। उन सवाल ये उठता है सर कि जो पहले से ही रियल इस्टेट के इस मार्केट में जो है सो बहुत से ऐसे ऐसे कंपनियाँ हैं और आप भी इस कंपनी में आए हैं, आप भी इस मुहिम में आए हैं, इस बिजनेस में आए हैं, और हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो रेरा ग्रुप के अंडर जो रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ों फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बनाने के लिए जो लगते हैं उसमें भी देखा गया है कि रेरा अप्रूवल तो दे देती है लेकिन कहीं ना कहीं बैंक से जो लोन होता है उस प्रॉपर्टी पे वो लोन होने में बहुत सारी परेशानियां होती है कस्टमर्स को, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा सर? ऐसा तो अभी तक हम लोग भी तो मैंने आज प्रॉपर्टी का काम किया है, हम लोग भी मैंने बिना रेरा का हम लोग भी नहीं छूते हैं उस चीज़ को जी। जो रेरा से अप्रूवल रहेगा उसी चीज़ पर हम लोग भी काम करते, कस्टमर के हित के लिए, कस्टमर के सारे सुविधा को ध्यान में रखने के लिए आर डॉट ग्रुप बना है जी। तो उसके हर चीज़ को देखना आर डॉट ग्रुप का एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है जी। उस नैतिक जिम्मेवारी के तहत हम लोग सब कुछ देख करके ही कस्टमर तक प्रोवाइड कराना चाहते हैं उस चीज़ को, ना कि मैंने कोई कुछ बोल दिया नहीं, हम लोग सीधे कहते हैं कि हर चीज़ का हम लोग का वेबसाइट भी अभी बन रहा है, लॉन्च करेंगे अभी वेबसाइट, एक दो चार रोज में हम लोग का वेबसाइट आ भी जाएगा, उसमें हर चीज़ क्लियर एकदम शीशा की तरह नज़र में आएगा सब चीज़। हम लोग काम कर जरूर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का कस्टमर के साथ बंगलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ हम काम जो है सो ये काम करेगी। और आर ग्रुप मतलब विश्वास का एक नाम होगा। और आज अगर पटना में, बिहार के मंडी में या बाहर के मंडी में अगर ये चेहरा राकेश कुमार का कोई जानता है तो अपने ईमानदारी के लिए जानता है। राकेश कुमार मतलब आर ग्रुप मतलब विश्वास। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि और भी आगे ये कंपनी बढ़े और कस्टमर का जो है सो विश्वास यूं ही आप पर बना रहे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर।